हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो केक। हमने दो ओरियो के पैकेट है उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। हमने लिया है मैदा, चीनी, रिफाइंड ऑयल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनो और आधा ग्लास दूध। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये केक ट्रे लिया है। इसमें हम 2 से 3 बूंद ऑयल डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आधे चम्मच मैदा डाल देंगे। इसको भी चारों तरफ से अच्छी तरह से इस तरह से हिला हिला कर लगा लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम जब केक की कंसिस्टेंसी तैयार करेंगे तो हमें इसको रेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें डालना है और केक डाल देना है। इसलिए हम ये ट्रे को पहले तैयार करके रख देते हैं। एक बाउल लिया है, इसमें 1 कप के करीब हम मैदा डाल देते हैं। आधी चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर डाल देंगे। आधे चम्मच बेकिंग सोडा डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने पीसी हुई चीनी लिया है, इसे डाल देंगे। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इन मैदों में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह से इसे मिलाते रहेंगे। अब हमने लिया है ओरियो जो हमने ग्राइंड करके रखा था फ्रेंड्स, इसको डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कैसे चेंज हो गया है। इसमें हम रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो रिफाइंड तेल डाल देते हैं। आप अगर चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हो कि मेरी केक का डो बहुत ही टाइट हो रहा है, तो इस मोमेंट में हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डो तैयार हो रही है मेरी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा बैटर बहुत अच्छे से बन चुका है। ये ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस मोमेंट में हम डालेंगे आधे छोटे चम्मच इनो पाउडर और हमें इसे मिलाना नहीं है फ्रेंड्स। और 1 चम्मच के करीब इसके ऊपर में हम दूध डाल देते हैं। इनो डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ओरियो केक बनकर रेडी हो चुका है, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है, जो दिखने में इस तरह से है। यह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। इसे आप बनाकर खा भी सकते हैं और इतना इजी रेसिपी है कि आपके बच्चे भी बना सकते हैं इसे। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो इस केक को ज़रूर खाइए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।